हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चमुंडा नीटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। आइए तो शुरू करते हैं फ्रॉक बनाना। पहले हम 40 फंदों की चेन बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने चेन बना कर तैयार कर ली। अब हम डबल क्रोशिये बनाते बनाते फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम पहले ये 3 चेन बनाएंगे और इस पहले चेन में हमने क्रोशिया डाला। और ये डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से हम ये डबल क्रोशिया से ये रो कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम अगली रो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने 1 चेन ली और फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाते बनाते ये अगली रो स्टार्ट करनी है। इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है और ऐसे ही हमने ये पूरी कॉलर कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते बनाते मैंने ये कॉलर तैयार कर ली। अब इससे आगे का डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। ये 1 चेन बनाई मैंने और ये डबल क्रोशिया लिया। 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब अगले 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 1 2 3 4 ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। और इसके आगे फिर हमने 1-1 डबल क्रोशिया के बीच में 1-1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने 1-1 डबल क्रोशिया के बीच में 1-1 डबल क्रोशिया बना लिया। ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए ये। और आगे फिर हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये हमारा आगे वाला हिस्सा बन गया और ये बाजू वाला हिस्सा बन रहा है। और इसके बीच में हम बैक वाला हिस्सा बनाएंगे। इसमें हम 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो तो अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा फंदे डाल सकती हैं और इससे बड़ा प्रोजेक्ट बना सकती हैं। ये हमने बीच में 17 क्रोशिये बनाकर तैयार कर लिए। ये हमारा बैक वाला हिस्सा आएगा। अब फिर आगे हमने 2 डबल क्रोशिये के बीच में 4 डबल क्रोशिये बनाने हैं जैसे स्टार्ट में बनाए हैं। ये हमने 4 डबल क्रोशिये बना लिए जैसे यहाँ पर बनाए हैं और फिर बीच में हमने 4 डबल क्रोशिये एक एक डबल क्रोशिये के बीच में एक एक डबल क्रोशिये बनाना है। ये 4 डबल क्रोशिये बना लिए। अब फिर हमने 2 डबल क्रोशिये के बीच में 4 डबल क्रोशिये बनाने हैं। ये 4 डबल क्रोशिये बना लिए। अब आगे हमने 5 डबल क्रोशिये के ऊपर 5 डबल क्रोशिये बनाने हैं। ये हमने 5 डबल क्रोशिये के ऊपर 5 डबल क्रोशिये बना लिए। इसी तरह से ये हमारा डिज़ाइन आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे बढ़ रहा है। ये इसका आगे वाला हिस्सा, ये बीच बाजू वाला, ये बैक और ये दूसरा बाजू और ये दूसरी तरफ आगे वाला हिस्सा और ये कॉलर। ये देखिए, ये मैंने ऊपर वाला पार्ट इतना बना कर तैयार कर लिया। अब हम इसके पार्टेशन करेंगे। ये जो बाजू वाला हिस्सा है इसको हम अलग रख लेंगे और ये बीच वाला हम इकट्ठा बना लेंगे। ये दोनों तरफ बाजू वाला हिस्सा हम अलग कर देंगे। तो ये कैसे बनाना है, ये एक चेन ले ली, ये डबल क्रोशिये की रो हमने स्टार्ट कर दी।
ये जो आगे वाला पार्ट है ये हमने बना दिया, और ये जो बीच वाले दो डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरफ बना लेंगे, ये इस तरफ बना लिए ये, और आगे वाले जो डबल क्रोशिया है ये इस तरफ रहने दिए। अब इसको हम यहाँ स्टिच कर देंगे, आगे वाले दो डबल क्रोशिया बनाकर ऐसे ही, ये दो डबल क्रोशिया हम यहाँ रहने देंगे, और ये जो दो डबल क्रोशिया है इसको हम आगे बना लेंगे। ये हमने आगे बना लिए, इस तरह से ये हमारा बाजू जो है ये अलग छूट गया, और यहाँ पर हमने ये बैक वाला और आगे वाला जो पार्ट है इसको आपस में स्टिच कर दिया। ऐसे हम ये डबल क्रोशिया बनाते बनाते ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये दूसरी तरफ का बाजू छोड़ेंगे, हम दो डबल क्रोशिया हम इस तरफ बाजू की तरफ छोड़ देंगे, और आगे ये स्टिच कर लेंगे, और दो डबल क्रोशिया ये फ्रंट की तरफ बना लेंगे, ये दो डबल क्रोशिया फ्रंट की तरफ बना लिए। ये हमारा दूसरा बाजू छूट गया। ये हमारा फ्रंट आ गया। ये हमारे दोनों बाजू दोनों तरफ छूट गए, और ये जो है हमारा बैक और ये फ्रंट आ गया। इसको हम फ्रंट को आगे से स्टिच कर देंगे, तो ये हमने ऐसे आगे स्टिच कर दिया। ये मैंने फ्रॉक का अपर पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लिया, इसमें मैंने एक डबल क्रोशिया की रो बनाकर इसको स्टिच कर दिया। अब मैं दूसरे कलर से ये यहाँ से दोनों तरफ बेल्ट बनाऊंगी, और नीचे वाला घेरा भी इस कलर से बनाऊंगी। तो ये आगे वाली रो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें दूसरे कलर से बेल्ट बनाऊंगी, तो ये बीच में मैंने 6 क्रोशिया बनाने हैं। ये मैंने बीच में 6 क्रोशिया बना लिए, इसी तरह से दूसरी तरफ भी बीच में 6 क्रोशिया बनाने हैं। तो ये दूसरे कलर की बेल्ट बनाकर मैं तैयार करूँगी। ये डबल क्रोशिया बनाते बनाते मैं ये बेल्ट कंप्लीट कर लूँगी।
इसी तरह से ये दोनों बेल्ट मैंने बनाकर तैयार कर ली। अब इनको मैंने पिछली तरफ स्टिच करना है, तो आइए इनको हम जैसे अगली तरफ ये पांच डबल क्रोशिया छोड़कर स्टिच की है, वैसे ही पिछली तरफ भी ये पांच डबल क्रोशिया छोड़कर स्टिच करेंगे। ऐसे दोनों तरफ से एक एक डबल क्रोशिया लेकर इनको आपस में बेल्ट को इसमें स्टिच कर देना है। ये मैंने इसको ऐसे स्टिच कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी तरफ दूसरी बेल्ट को स्टिच कर देना है, तो ऐसे ही हम डबल क्रोशिया की रो आगे बढ़ाते जाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये डबल क्रोशिया बनाते बनाते मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब ये दूसरी बेल्ट को मैं स्टिच करूँगी, तो जैसे पिछली बेल्ट स्टिच की है वैसे ही इस बेल्ट को भी यहाँ पर मैं स्टिच कर दूँगी। ये दोनों बेल्ट मैंने डबल क्रोशिया की रो बनाते बनाते स्टिच कर ली। अब मैं ये पूरी रो डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह से दोनों बेल्ट मैंने आपस में स्टिच कर दी, ये आगे पीछे। और अब हमने आगे डिजाइन को बढ़ाना है। ये दोनों तरफ बाजू में रख ली और अब हम आगे की डिजाइनिंग करेंगे। अब हमने आगे डिजाइन बनाना शुरू करना, तो ये दोनों तरफ मैंने पांच पांच क्रोशिये रखे हुए हैं, तो इनके चार चार क्रोशियों का मैंने डिजाइन बदलना है। दो और तीन डबल क्रोशिया जो मैंने ऐसे बना लिए। अब आगे जो है वो ये बीच में से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये ऐसे हमने बीच में डालना है और ये डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से ये जो है दोनों तरफ दो क्रोशिया इस तरफ से बनाए, दो डबल क्रोशिया इस तरफ से बनाए और आगे फिर से हमने वैसे ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये
डबल क्रोशिए की रो हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये जो हमने बेल्ट बनाई है इसके बीच में हमने डिजाइन बनाना है। यहाँ से हमारी कलियाँ बननी शुरू हो जाएगी और ये जो फ्रॉक का घेरा ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो दो डबल क्रोशिया है, दो बेल्ट के इस तरफ दो इस तरफ, इनके बीच में हमने चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक दो तीन और ये चार डबल क्रोशिया बना लिए और आगे के दो डबल क्रोशिया हमने ऐसे बनाने हैं। अब हमने फिर से ये बीच में डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये डिजाइनिंग करनी है। यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो तीन और ये चार, ये ऐसे डबल क्रोशिया बनाने हैं हमने। और इसके आगे फिर हमने सीधे डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये फिर से हमारे बीच में कली बनेगी, तो ये सीधे दो डबल क्रोशिया बना लिए और ये जो बीच में है यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब ये हम फ्रंट में कली बनाएंगे, तो ये जो गले वाला हिस्सा है यहाँ पर हम बीच में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो है दो डबल क्रोशिया, इनके बीच में हमने चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। दो तीन और ये चार डबल क्रोशिया बना दिए, ये हमारी दूसरी कली बननी शुरू हो गई। ये पहली और बीच में ये डिजाइनिंग चार डबल क्रोशिए की जो बीच में डाले हमने, और ये दूसरी कली, और इसके बाद हम फिर दो डबल क्रोशिए बनाएंगे, एक ये दो, और अब फिर से हमने डिजाइनिंग करनी है। तो ये बीच में से क्रोशिया डालकर हमने डबल क्रोशिया बनाना, ये एक ये दो ये तीन और ये चार डबल क्रोशिया बना लिए। हमने सीधे डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमने अगली कली बनानी है, तो ये जो वेलेट है इसके बीच में दो डबल क्रोशिया या और दो डबल क्रोशिया है और बीच में हमने चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने चार डबल क्रोशिया बना लिए। ये चार, ये हमारी तीसरी कली बन गई।
ऐसे ही तीन कलियां पीछे की तरफ बनानी है हमने। डबल क्रोशिए बनाते बनाते आगे की अब डिजाइनिंग करनी है। ये हमने आगे बीच वाले क्रोशिया बनाए हैं। अब हमने सीधे डबल क्रोशिया बनाने हैं। दो ये हमने सीधे डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने इन बैलट के बीच में फिर से कली बनानी है। तो ये फिर से चार डबल क्रोशिए बनाए बीच में, और ये हमने पिछली तरफ की कली बना ली। इसमें तीन कलियां हमारी अगली तरफ आएंगी और तीन कलियां पिछली तरफ आएंगी। इसमें छह कलियां बनेंगी जिससे फ्रॉक का घेरा बनेगा। अब फिर से हमने यहाँ पर डिजाइनिंग करनी है बीच में क्रोशिया डालकर। दो ये तीन, ये चार, फिर से हमने डिजाइनिंग की और बीच में दो डबल क्रोशिए बनाने हैं। एक दो, और ये जो बैक वाला हिस्सा है इसके सेंटर में हमने अब एक कली बनानी है। तो यहाँ पर दो डबल क्रोशिए के बीच में चार डबल क्रोशिए बनाने हैं। चार डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा है बैक का, इसमें चार डबल क्रोशिया बनाए और ये चार आगे वाले में बने हैं। जैसे ये वैसे ये पीछे चार डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने बीच में दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर से हमने बीच में क्रोशिया डालकर ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए ये डिजाइनिंग करनी है। ये ऐसे चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर दो डबल क्रोशिए बनाने हैं।
यहाँ पर, और ये जो वैलेट है इसके बीच फिर हमने चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर ये हमारी अगली कली बनेगी। ये यहाँ पर ये चार डबल क्रोशिया बना लिए, ये हमारी लास्ट कली बनकर तैयार हो गई। अब हमने फिर से ये सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया बना लिए और अब हमारी अगली रो शुरू हो गई। तो ऐसे ही हमने क्रोशिया बीच डाल के ये ऐसे डबल क्रोशिया बनाने हैं, जो ये डिजाइनिंग वाले चार डबल क्रोशिया है इनको बनाना है। ये हमने डिजाइन वाले चार डबल क्रोशिया बना लिए। ऐसे ही हमारा डिजाइन आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह से ये डिजाइन आगे बढ़ रहा है। ये डबल क्रोशिया बनाते बनाते ये रो मैंने पूरी कर ली, और ये जो बीच वाली डिजाइनिंग है अब इसको बनाना है। तो ये बीच में क्रोशिया डाला और ये ऐसे डबल क्रोशिया तैयार किया। ये चार डबल क्रोशिया वाली डिजाइनिंग की है मैंने। ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया बनाना है, और ये डिजाइन ऐसे बनेगा। और आगे फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। आगे डबल क्रोशिया बनाना शुरू किया। ये जो बीच की कलियां हैं अब ये आगे बनते बनते खिलने लग पड़ी है। तो ये ऐसे बनानी है हमने। ये जो बीच में हम चार डबल क्रोशिया इकट्ठे ले रहे हैं, इनको साइड से हमने फिर बना लेना है। ये साइड से बना लिया और बीच जो है दो दो डबल क्रोशिया के बीच, यहाँ पर हमने फिर से चार डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक दो तीन चार, पूरी कलियाँ ये ऐसे बनकर तैयार होगी। और ये साइड में फिर से हमने इसको एक डबल क्रोशिया को बना लेना है। इसी तरह से हमने ये डबल क्रोशिया की रो आगे बढ़ानी है। ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे ही मैंने ये पूरी कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने
फ्रॉक का घेरा बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी पत्तियां कितनी सुंदर लग रही है और ये कितनी खिलकर आ रही है। अब मैं इसके बाजू बनाऊंगी। आइए तो शुरू करते हैं बाजू बनाना। ये मैंने बाजू रखे हुए हैं, ये डबल क्रोशिया से इसको मैं बनाना शुरू करूंगी। ये मैंने यहाँ पर धागे को स्टिच किया और बाजू बनाना शुरू कर दिए। ये मैंने डबल क्रोशिया की रो बनाना शुरू कर दी। एक क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं ये रो कंप्लीट करूंगी। ऐसे ये हमारा बाजू बनता जाएगा। मैंने डबल क्रोशिया की रो बनाते बनाते ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम ऐसे ही सेकंड रो बनाएंगे। ऐसे हमारा बाजू आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको इसमें फंदे कम करने हो तो यहाँ से ऐसे इसमें फंदे कम कर सकती हैं और ऐसे ही दूसरा बाजू भी बना लेंगे। इसी तरह से ये फ्रॉक बनकर तैयार हो गई। अगर आपको इसके बड़े साइज में बनाना है ऐसे, तो आपको यहाँ से चेन बढ़ानी होगी। यहाँ से ज़्यादा चेन लेकर डबल क्रोशिया बनाते हुए फंदे बढ़ाने होंगे, फिर आगे ये फ्रॉक बड़ी बनती जाएगी। अब मैं इसमें आपको छोटी छोटी फ्रिल बनाना बताऊंगी, तो आइए फ्रिल बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने दूसरे कलर से फ्रिल बनाना शुरू की। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और ये मैं यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक, दो, तीन और ये चार डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये चार डबल क्रोशिया स्किप करके मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से स्टिच करूँगी और फिर से मैं यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक, दो, तीन, चार डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से चार डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पर स्टिच करूँगी और फिर से चार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसी तरह से ये फ्रिल आगे बनती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये फूल बनाना बताऊँगी और बेबी पोंचो में मैंने आपको ये डोरी बनाना बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें।